Hello. Am I audible? Am I audible now? Am I audible now? Hello. Okay. Sorry for the trouble.

थी तो वाज इन न्यूज इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन एक और जो है और समुद्र की मस्ती ये दो सेम ही डांस फॉर्म के नाम है तूफान और समुद्र की मस्ती दोनों एक ही है ये भी एक फेमस इसी एरिया का डांस है कौन सा एरिया का कच्छ एरिया का उट ने फॉलोइ स्टेटमेंट विध रिस्पेक्ट टू राजा प्रभा फेस्टिवल तो राजा प्रभा जो फेस्टिवल है एक दिन पहले और ये फेस्टिवल डेडिकेटेड है मदर अर्थ को यस इट इज एंड इस टाइम पे ना कोई कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है ना ही कोई लाइक uh, like, खेती बाड़ी की एक्टिविटी uh, यानी किसान हल भी नहीं पाते सो दैट्स वाई ये एरिया जो है काफी इंपॉर्टेंट तो मतलब ये फेस्टिवल जो है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपकी रथ यात्रा है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा है उसके बाद सबसे फेमस फेस्टिवल है उड़ीसा रीजन का सो एज आई टोल्ड यू अपार्ट फ्रॉम फेमस रथ यात्रा यहाँ पर जून मंथ में उड़िया रीजन में आपका कौन सा फेस्टिवल राजा या राजा प्रभा फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है इसके इस टाइम पे ये डेडिकेटेड है किसको मदर अर्थ को या भूमा देवी को अबाउट uh, मिथुन संक्रांति के दिन पहले इसे क्या हैं? पहली राजा, को कह देते हैं, मिथुन संक्रांति और थर्ड डे को कहते हैं भुआ या बासी राजा भुआ दाह या बासी राजा और यहां पर बेसिकली कोई भी अर्थ से रिलेटेड मतलब मदर uh, अर्थ की आप uh, मतलब आप उनको डेडिकेट कर रही है

ये जो प्रोजेक्ट है इट इज डेवलप्डर नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप एज अम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम स्कीम के तहत इंडिया इज डेवलपिंग दिस टेंपल और इंडिया ने अभी रिसेंटली 2.3 करोड़ इसकी सैनिटेशन फैसिलिटी के लिए पे करे हैं किसको नेपाल को सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन

Mithila area in that region of Bihar, we are doing what? All government building will be covered by this painting, will be covered by this painting. So, that is why this, this particular painting was in use. Let us see few important things about this particular uh, painting. Cotton wrapped bamboo stick is used in, instead of brush. Normal brush ki jaga, par kya use kar rahe hum? cotton wrapped bamboo sticks.

और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है एज आई टोल यू सो इफ वी टॉक अबाउट फर्दर द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट विद रिस्पेक्टाउट पर्टिकुलरली वॉज इन न्यूज बिकॉज ऑफ जो डेली में आपकी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है उस वजह से सो इट इज अटेटरी बॉडी ठीक है जी अंडर लॉ बना हुआ पार्लियामेंट के फर्स्ट Uh, uh, first statement suggests that it is mandated to advise government on uh, government of India in matter of preserving, developing, and maintaining the aesthetic quality of urban and environmental design within the Delhi. Yes, both the above statements are true. Its recommendations are final and binding on the central and Delhi government. This statement is false because it has an advisory role, not giving government a binding recommendation. So that's why.

आपके एनवायरमेंट और अर्बन जो वहां के क्वालिटी है फर्स्ट स्टेटमेंट वॉर ट्रू स्टेटमेंट वॉज फॉल्स क्वेश्चन वॉज अबाउट अंबुबाची मेला इज एन एनुअल फेस्टिवल स्टेट्स अगर हम बात करें इट इज अ ऑफ असम ठीक है जी इट इज रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ वुमेन एंड ये यहां पर जो फेस्टिवल की अगर हम बात करें इट इज लाइक द टेंपल कामाख्या टेम्पल इट इज सेलिब्रेटेड इन दिस पर्टिकुलर टेम्पल ठीक है जी एंड इट इज बिलीव दैट बिलीव दैट जो माता मत, सती थी उनकी योनि यहां पर आके गिरी थी एंड बिकॉज ऑफ दैट यहां पर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल को सेलिब्रेट करने के लिए अंबुबाची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन असम पार्ट ओके इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन next question says that consider the following statement with respect to ahom kingdom. chalong sukpha founded the ahom kingdom that ruled assam for six centuries. ahom kingdom had their own language and followed their own religion. both the statements are correct. let us see what question asked for. it said what is the incorrect one. so both the statement is correct. so neither one, neither two.

किया था जो कि सिक्सटी इयर्स तक यहाँ पर रूल मतलब अब यहाँ पर अगर हम बात करें ये बेसिकली ब्रह्मपुत्र एरिया, एरिया में ये देखा जाता है ठीक है जी अब यहाँ पर क्या हुआ था बेसिकली दिस किंगडम इसने ज्वाइन किए थे जितने भी आपके ट्राइब्स हैं उनको ज्वाइन करके एक लाइक असम को यूनाइट किया था तो दैट्स वाई I, he um, the person is very famous in Assam area and if we talk about further Sukhfa's significance especially in today's Assam lies in the successful effort towards assimilation of different community and tribes. That is why the architecture, the great Assam architecture was founded by this particular person.

ऑल द्री स्टेटमेंट आर करेक्ट लेट्स थिंग्स धर्म चक्र डे या अषाढ़ी से रिसेंटली सेलिब्रेट किया था लास्ट ईयर तो अभी आने भी वाला है बुद्ध पूर्णिमा तो इट इज सेलिब्रेटेड बिकॉज आपकी जो ये इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन है ये सेलिब्रेट करते अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम जब बुद्धा ने आपके इलाइटमेंट अचीव की थी उसके बाद उन्होंने अपना पहला जो पहला आ, उनका जो प्रवचन था यहीं पर ही हुआ था और कहा पर हुआ था डियर पार्क में जो कि आज की डे टुडे वी कॉल इट सारनाथ वाराणसी वाराणसी के पास है सारनाथ अदरवाइज इसे डियर पार्क भी बोलते हैं ठीक है जी लेट सी फॉर दॉन बी बी पला गाना इज सेंचुरी ओल्ड फॉक थिएटर फॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इफ वी टॉक अबाउट इट इज फाउंड इन सुंदरबन एरिया एंड ये बेसिकली मीन्स लॉन्ग नरेटिव विर्सा विच एंड गाना मीन्स सॉन्ग्स ये बंगाली एरिया में मिलता है एंड आपके बंगाल और बांग्लादेश दोनों एरिया में ये प्रोमिनेंट है ठीक है जी

Appears like wool, uh, woolen cloth, but it is made up by use of red and black thread, which uh, with a white cotton clothes background. So basically, it's a metallic art, not on the cotton uh, cotton part. So both the statements are incorrect. Both the statements are incorrect. So option will be D option. If we talk about the second statement, it is related to the Toda embroidery, not with the not with the your. जरदोजी इफ यू टॉक अबाउट जरदोजी इट इज बेसिकली अर्लियर इट यूज टू बी रियल गोल्ड और सिल्वर बट नाउ अ डेज वी यूज आर्टिफिशियल गोल्ड वायर वगैरह बट नॉट द ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल गोल्ड वगैरह अब नहीं यूज करते जरदोजी में अब हम आर्टिफिशियल यूज़ करते हैं बट टोडा में हम अगर बात करें इट इज लाइक एक वाइट पीस ऑफ क्लोथ लेंगे और उसके ऊपर रेड एंड ब्लैक को यूज़ करके तमिलनाडु वाले एरिया में नीलगिरी वाले एरिया में टोडा एम्ब्रॉयडरी इज फेमस एंड That second statement belonged to this Toda embroidery. So, let's move to the next question. With respect to manuscript, consider the following statement: A manuscript is a handwritten composition on paper, cloth, metal, palm leaf, and any other material dating back at least 75 years. The, the first statement is correct. Manuscript are distinct from historical record such as epi uh, epigraph on rocks.

संस्कृत देवनागरी स्क्रिप्ट में भी लिखी जाती है एंड अदर स्क्रिप्ट में भी लिखी जा सकती है सो दैट्स वन लैंग्वेज ऑफ एन वन लैंग्वेज बट डिफरेंट स्क्रिप्ट कैन बी यूज कंसिडर रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ गुजरात लोथल धोलावीरा एंड गोला धोरा आर समियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट लोकेटेड इन गुजरात ओके यस ऑल दीज थ्री साइट्स आर लोकेटेड इन गुजरात

कहा बांग्लादेश एरिया का है एंड यहां पर भी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है मनी पे कर रही है टू रिस्टोर दिस टेम्पल न्यूज अगर हम बात करें इंडिया बिगेन द रिकस्ट्रक्शन ऑफ जय को मातु टेम्पल इन नातोरे बांग्लादेश इट इज अप्रोक्सीमेटली थ्री हंड्रेड इगो इसे बिल्ड किया था अराउंड एटीन सेंचुरी में ठीक है जी दीवान ऑफ क्वीन भाभानी ठीक है जी और इंडिया ने रिसेंटली एमओयू साइन किया है किसके साथ बांग्लादेश के साथ इसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए अंडर हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो सेम प्रोजेक्ट है जहां पर हम पशुपतिनाथ टेंपल नेपाल के साथ बिल्ड कर रहे हैं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट Consider the following statement with respect to Nagar style of architecture. Agaram Bhat Kare recently Ram Mandir and because of that, Ram Mandir abhi Nagar style of architecture was in news. Let us see. In this style of uh, in this style, the Grabghyya is always located directly under the tallest tower. Yes, it is true. The Lingras temple is one of the best example of Nagar architecture. Yes, both the statements are correct. If we talk about if this is a

अब यहां पर थ्री स्टोरी ये टेम्पल रहेगा एंड पिलर्स और डोम्स के साथ बनेगा इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इट इज फेमस इन नॉर्दर्न इंडिया इट इज फेमस इन नॉर्दर्न इंडिया एंड ऑल्सो कॉमनली पर जो स्टोन्स को हम प्लेटफॉर्म की तरह मतलब एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएंगे उसके ऊपर हम स्टेप फॉर्म में इसे डेवलप करते हैं और ग्रभ ग्रह के नीचे ठीक है जी ग्रभ ग्रह के नीचे डायरेक्टली आपका लाइक uh, like, ग्रभग्रह डायरेक्टली आपका टॉलेस टावर के नीचे होता है और यहां पर आपको यूजली बाउंड्री वॉल नहीं मिलती बिकॉज अगर हम बात करें सदर्न आर्किटेक्चर में आपको बाउंड्री वॉल मिलती है और बीच में आपको टेम्पल मिलता है बट जो नागर स्टाइल है यहां पर आपको द्रविडियन स्टाइल से अलग होने का रीजन यह है कि, कि यहाँ पर आपको क्या नहीं मिलता यहां पर आपको क्या नहीं मिलता बाउंड्री वॉल नहीं मिलते सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पर्व रिसेंटली इन न्यूज इट इज रिलेटेड विद अगर बात करें तो ये जैन फेस्टिवल है सोल प्योरिफिकेशन एंड सेल्फ सर्च के लिए बेसिकली ये जैनिज्म का फेस्टिवल है इट वाज सेलिब्रेटेड अराउंड अगस्त से अगस्त तक ठीक है जी सोल लेकेफ एंड सेल्फ सर्च का है एंड दे वॉन्ट टू लिव लाइक लाइफ लाइक अ ताकि वो अपनी सोल को प्योरिफाई करके एक जिन की तरह रह सके सो दैट्स वाई दैट्स वाई दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड और अगले क्वेश्चन पे चले तो

अब ये बेसिकली आपका उड़ीसा छत्तीसगढ़ के एरिया या इसके नेबरहुड में लाइक like आपके बिहार वगैरह झारखंड वगैरह के कुछ एरिया में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है नॉट इन दर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ये नहीं किया जाता है और दूसरी बात ये इट्स जब भी आपकी न्यू क्रॉप उगती है तो उसमें से कुछ ऑफर किया जाता है भगवान को दैट काइंड ऑफ फेस्टिवल इट इज सो हेंस ये एक आपकी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर रिलेटेड फेस्टिवल ही है

बेसिकली ये बहुत वनरेबल एरिया है यहाँ पर माइनिंग वगैरह बहुत होती है तो दैट्स वाई इसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है सो so, इसको कहीं कही ना कहीं ठीक करने के लिए मतलब उस नेगेटिव इंपैक्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दैट सो दैट्स दिस के वॉज इन न्यूज एंड यू शुड लर्न अबाउट इट कंसिडर द फॉलोइंग पे इफ यू टॉक अबाउट तिंजर पेंटिंग कर्नाटका ओके इट इज इन तमिलनाडु ठीक है जी झरना चित्र, वेस्ट बंगाल इट इज ट्रू वर्ली पेंटिंग नॉट इन गुजरात लाइक गुजरात में आप थोड़े बहुत एरिया कह सकते बट मेजरली आपका महाराष्ट्र वाला एरिया है सो बोथ सी बी आंसर ठीक हो सकता है बट आई विल गो फॉर बी बिकॉज मेजोरिटी ऑफ बुक सेज वर्ली पेंटिंग आर फाउंड इन महाराष्ट्र बेल्ट ठीक है जी दैट्स वाई आई विल गो ऑप्शन बी डिबेटेबल है बट येट

सो so बेसिकली एक भारत श्रेष्ठ भारत जो स्कीम चल रही है उसके तहत ठीक है जी श्रीनगर और चेन्नई की टूरिज्म मिनिस्ट्री ने ये आ, आ, मतलब एक ऑनलाइन प्रो, प्रोग्राम अरेंज किया था किस एरिया में लाइक like, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया में जितने भी कल्चर हैं उसे कही कहीं ना कहीं लाइक एक दूसरे के साथ कल्चरल एक्सचेंज करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है तो इफ इफ वी टॉक अबाउट जम्मू कश्मीर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फोक डांस वगैरह हैं दैट इज धुमहल रूफ हाफिज बंद जश्न बंद जश्न एंड इफ वी टॉक अबाउट लाइक तमिलनाडु वी हैव पोकाई कुथुराई ठीक है जी मैयल अट्टम और पोकाई कुथराई अट्टम दिस आर द इंपॉर्टेंट फोक डांसेस इन तमिलनाडु एरिया एंड दिस वर इन दी इन योर जम्मू कश्मीर एरिया इट वाज रिसेंटली इन न्यूज़ सो दैट्स व्हाई

Organized the webinar Hampi, the inspired inspired by the past going into the future, under Dekho Apna Desh webinar. So, under this webinar, Kahina Kahi Hampi was promoted. So, that's why the question was there. So, you can read about Hampi later. Let's move to the next part. With respect to renthi Cholas, consider the following statement. They ruled over Renadu region. Which is located in present day of Kerala, not Kerala. It is around Andhra Pradesh area. they were the first to use Telugu in administration and inscription instead of Sanskrit. Yes, they were the first one. So answer will be option B. If we talk about this, recently, a landmark discovery Archaeological Survey of India, ko in which they have found something related to rinthi Chola.

if we talk about they were the first one to use telugu in administration and inscription instead of sanskrit so this is all about your rinthi cholas consider the following statement with respect to sri narayan guru if we talk about this person this was in your modern history this session is not on daily basis this session is on every thursday basically we have been conducting our test series lakshya test series and we are discussing question from that okay if we talk about this question consider the following statement with respect to Sri narayan guru he coined the slogan one religion one caste one god for mankind he held all religion to be the same and condemned animal sacrifices so both the statement is true

शिवलिंग इन नियर सरस्वती रिवर इन 1888 एंड ही सेड दैट जो आइडल की जो आपकी लाइक मंदिर बनाने की परंपरा है दैट इज नॉट ओनली फॉर द हायर कास्ट कहीं ना कहीं लोअर कास्ट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं सो ही वॉज अगेंस्ट एनिमल सेक्रीफाइस ठीक है जी ही यूज टू से दैट वन रिलीजन वन कास्ट and one God for mankind, matlab everyone should be equal. So equality ke baare he was the one who said all this. His disciple Shraddhanand, he said no religion, no caste and no God for mankind. He was totally against any form of God or worship. So you should read about him in your modern history with respect to Sangali, Sangali uh, rayanan consider the following statement he was trusted lieutenant in the army of chhatrapati shivaji he fought against british east india company and was captured and hanged for, uh, from a banyan tree the second statement is correct but he was not he was not associated with chhatrapati shivaji he was associated with chinamma rani chinamma army so first statement is incorrect and rest all the statements uh, all the statements were true रिसेंटली इन न्यूज अब बेसिकली क्या हुआ है ए एस आई ने एस आई गिवन इट एन स्टेटस दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी 2008 की वेयर वी हैव फाउंड द वॉरियर क्लास इन इंडिया जहां पर आपको रथ मिलते हैं शील्ड्स मिलती है स्वॉर्ड्स मिलते हैं तो दैट्स वाई वी सेट की देर वॉज अ वॉरियर क्लास अराउंड टू थाउजेंड ईयर अगो ठीक है जी सो दैट्स इट इज एन इंपॉर्टेंट साइट एंड रिसेंटली एक वेब सीरीज भी इस पे आई थी एंड अभी रिसेंटली एस आई ने इसे साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया है सो दैट्स इट इज ऑल इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन इफ यू आर लुकिंग एट एग्जाम ट्वेंटी ट्वेंटी स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पंगलोबोसा इट इज अ कल्चरल फेस्टिवल ऑफ मणिपुर नो इट वॉज इट इज नॉट अ कल्चरल फेस्टिवल ऑफ मणिपुर it is a cultural festival of sikkim if we talk about it is commensurated with uh, uh, it is related with the this thing that they see uh, Jonga as the guardian of the state yes if we talk about it is related with this uh, concept only that kanchanjunga act as a as act as a guardian of the state of sikkim so that's why the first statement is, is incorrect if you knew that kanchanjunga is located in your

if we talk about the fifth one is not related with punjab, it is related with assam. so fifth statement is incorrect. so option goes like this. we have these three options. if we talk about Chero dance, it is related with mizoram, not with punjab. so second statement is incorrect. so option will be b. option will be b. hola Mohalla is celebrated in punjab only. lori is a dance of punjab only. और यहां पर अगर हम बात करें बैसाखी ये भी पंजाब का ही फेस्टिवल लोरी इज ऑल्सो फेस्टिवल इन पंजाब ओनली तीज बसंत पंचमी बैसाखी दिस ऑल आर रिलेटेड विद पंजाब ओनली लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग पेयर एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म वल्चर पीक बिहार बियर पार्क मध्य प्रदेश जेता गुवा उत्तर प्रदेश इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्वेश्चन दैट इट इज इन उत्तर प्रदेश प्रेजेंट डे वाराणसी सो सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज इन करेक्ट रेस्ट ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू सो आंसर विल बी वन एंड थ्री डी ऑप्शन

कर्नाटका और लाइक आपके केरला दोनों ही एरिया में मिलता है तो बोथ द ऑप्शन इट शुड बी कर्नाटका एंड केरला सो ऑप्शन यहां पर थोड़ा गलत है प्लीज चेंज दिस ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में भी ये मिलता है और कहीं ना कहीं कसोड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में भी ये मिलता है ठीक है जी कॉम्बिनेशन है किसका डांस का म्यूजिक का सॉन्ग्स का और डायलॉग्स का और यहां पर अगर हम बात करें तो यक्षगन इसी एरिया का इंपॉर्टेंट एक फेस्टिवल है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट इट इज बेसिकली अ प्रोजेक्ट इट इज कोलेबोरेशन ऑफ अ नेशनल म्यूजियम डेली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गूगल आर्ट कल्चर यस दिस स्टेटमेंट इज पर्टिकुलरली करेक्ट इफ वी टॉक अबाउट अंडर द प्रोजेक्ट सेवरल हंड्रेड मिनिएचर पेंटिंग फ्रॉम नेशनल म्यूजियम कैन बी व्यूड ऑनलाइन ऑन गूगल आर्ट एंड कल्चर बाय पीपल अराउंड द वर्ल्ड यस बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ने एक वर्चुअल कहीं ना कहीं म्यूजियम क्रिएट करने की बात की गई है जिसका नाम रखा है लाइफ इन मिनियचर ठीक है जी ये आपकी कहीं ना कहीं गूगल के साथ इनका प्रोजेक्ट है गूगल आर्ट एंड कल्चर के साथ एंड यहाँ पर आपकी जितनी भी मिनियचर पेंटिंग है जो नेशनल म्यूजियम डेली में मिलती है दे विल बी दे कैन बी व्यूड ऑनलाइन बाय इंटायर वर्ल्ड

by Chandelas in 12th century during rule of king Vishnu no it is a Hos, uh, Hosla kingdom not Chandelas, so the temple stand on Jagati platform a feature became popular in later Chandela temple, no it was like uh, like it is an exception uh, Jagati, uh, Jagati ya platform was first time introduced in this, so that is why the statement both the statements are incorrect. सो इट इज ड्यूरिंग हौसला इरा ठीक है जी काली ऑफ लक्ष्मी देवी टेम्पल यहाँ पर गॉडेस काली का लक्ष्मी देवी टेम्पल यहाँ पर बनाया गया था हौसला लक्ष्मी देवी टेम्पल के बारे में इफ वी टॉक अबाउट इट वॉज बिल्ड बाय हौसला इन अ ईयर ऑफ लाइक इलेवंथ ट्वेल्थ सेंचुरी में ठीक है जी एंड इट इज मेड अप ऑफ सोप स्टोन ठीक है जी पॉपुलरली यहाँ पर डज नॉट हैव एनी जागति इट डज़ नॉट कंटेन एनी जागति या प्लेटफॉर्म इसमें नहीं है सो बोथ द स्टेटमेंट इन करेक्ट कंसिडर स्टेटमेंट रिगार्डिंग भावी इट्स अ ट्रेडिशनल फोक थिएटर ऑफ वेस्टर्न इंडिया यस गुजरात पार्ट का है भावी इज पार्टली एंटरटेनमेंट एंड पार्टली रिचुअल ऑफरिंग मेड टू गॉडस अंबा यस बोध द स्टेटमेंट आर करेक्ट इफ यू टॉक अबाउट भावी आपका इसको कहते हैं वेशा या स्वांग भी कहते हैं ये आपके वेस्टर्न इंडिया के स्पेशली गुजरात वाले एरिया में बहुत फेमस है एंड भावी इज बिलीव टू बी ओरिजिनेटेड इन ट्वेल्थ सेंचुरी किसके द्वारा असिथा ठाकर के द्वारा एंड इट इज क्रेडिटेड विद लाइक गॉडेस अंबा को आप रिचुअल ऑफरिंग भी दे रहे हैं और इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए भी एक ओपन थिएटर है ये ठीक है जी टर्म देवनाम देवनम इज टाइटल ऑफ अशोका ठीक है जी रिसेंटली रिसर्चर ने डिस्कवर किया है टेरा कोटा ऑब्जेक्ट जिसमें ब्रह्मी स्क्रिप्ट में, में प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा हुआ था थर्ड सेंचुरी का नाम किसका देवनम यह प्रिफिक्स है किसका आपके अशोका का सो दट्स वाई इट इज रिलेटेड टू मॉर्न पीरियड ओनली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट

ये जो आपका है इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर लाइक आपके तमिलनाडु लेट्स सी दिस क्वेश्चन अभी हमारा खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है ठीक है जी खेलो इंडिया यूथ गेम और इसमें रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है गतका कलेरू पेयातु खंगता एंड मलखंब इफ वी टॉक अबाउट दिस फोर जो ये कलेरू पेटू है इट इज बिलोंगिंग टू केरला नॉट कहां पर आपके

संस्कृत ऑल्सो सो अगर हम बात करें तो दिस इज ऑल अबाउट हिम विच ऑफ द फॉलोइंगज बीन डेजिग्नेटेड एज इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को इफ वी टॉक अबाउट योगा यस संकीर्तन यस मुद्दियट्टम यस ऑल द थ्री आर पार्ट ऑफ

ठीक है जी कल बे, काल बेलिया फॉक डांस दैट ऑफ राजस्थान दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस छऊ डांस दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस बुद्धिस्ट चैंटिंग एट लद्दाख दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज संकीर्तन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर दिस ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट पंजाब का दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस योगा नवरोज एंड कुंभ मेला रिसेंट एडिड वॉज कुंभ मेला Which of the following

वॉज एन इंडियन मतलब uh, जो कि आपके ट्वेल्थ सेंचुरी में एक फिलोसफर थे, थे शिव, कर्नाटका के सो रेस्ट ऑल दर ट्रू यू कैन रीड अबाउट इट ठीक है जी ही ऑल्सो सेड दैट देर इज इंडिविजुअल आत्मा इन एवरी बॉडी ठीक है जी Which of the following statement is correct with respect to Pachitram painting. It is a form of painting that is painted on piece of cloth in the state of Bengal only. No, it is not true. The Odisha version of painting depicted Hindu mythology and specially inspired by Jagannath and wish uh, Vishwa, uh, uh, Vishnu sites sect. Sorry. If we talk about Pachitra, the second statement is true.

ठीक है जी इफ वी टॉक अबाउट दिस पेंटिंग इट इज अदर बेस्ड मतलब द शेडो ऑफ लेदर पपेट इज यूज इन दिस काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ एरिया ठीक है जी पालकंडा या पलक्कड़ सॉरी पलक्कड़ रीजन में या नेबरिंग रीजन में इसे हम देख सकते हैं तो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में आपको इसके बारे में लाइक शेडो पेंटिंग शेडो पपेट्स के बारे में इसके बारे में सुनने को मिलता है Let us move further. Which of the following statement is incorrect with respect to Khwaja Maudin? His shrine in Ajmer has been visited by a ruler like Daro Sikhu. Yes, he visited his shrine. They abstain from connection with secular state. They abstain from connection with secular state. So, if we talk about Mohandin Chisti, he was born in modern day Sistan, thikheji, Iran. Ke aspas, अगर हम बात करें चिश्ती ऑर्डर की एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने ही की थी ही एमफसाइज़्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिटी ऑफ बीइंग विद द गॉड ठीक है जी गॉड के साथ यूनिटी के बारे में बात करते हैं एंड मेंबर ऑफ द ऑर्डर वर पेफिसिस्ट एंड रिसाइटेड इन द नेम ऑफ गॉड तो अगर हम बात करें ही सेड कि भगवान एक है एंड बहुत सारे लाइक like आपके आ, अकबर जहांगीर शाहजहां दारा शिकोह औरंगजेब

उसमें एक प्रॉपर लाइक जैसे पाठ करते हैं या पूजा करते हैं एक प्रॉपर रिचुअल इट वॉज बिल्ड बाय सोलंकी रूलर बिटवीन नाइन हंड्रेड टू इलेवन हंड्रेड ठीक है जी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की क्चर का बहुत बहुत ही अच्छा नमूना है एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस चंडेला डेंसिटी ने इसे बनवाया था सोलंकी ने नहीं दिस टेम्पल बिलोंग टू बोथ बोध हिंदुइज एंड जैनिज्म आर फेमस फॉर देयर नागर स्टाइल ऑफ आर्टिटेक्चर सिंबोलिज्म स्टेटमेंट बी इज मतलब टू इज करेक्ट एंड आंसर विल बी ऑप्शन बी सो इफ वी टॉक अबाउट दिस एज आई टोल्ड यू दिस इज वॉज बिल्ड बाई चंडेलाज

वाटर इज प्राइम सोर्स जहां से आप अपने एग्रीकल्चर वगैरह को भी ग्रो uh, uh, कर सकते हो एंड सेवेंटी परसेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ़ सो दैट्स जनरली दे वर फाउंड नियर सोर्स ऑफ वॉटर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेट सिस्टम इन हरप्पा सिविलाइजेशन द लोअर डिनोमिनेशन वेट्स followed the decimal system while the higher denomination weights followed the binary system. No, it was not true. The smaller weight were used in weighing jewelry and beads. If we talk about jo lower de the lower denomination that was binary 1, 2, 3, 4 and like the upper denomination the that is uh, like in decimal system. So, that was incorrect.

फर्स्ट स्टेटमेंट लाइक एग्रीकल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल तो ये थोड़ा गलत हो जाता है गिफ्ट एक्सचेंज एंड री डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी उस टाइम पे देख लाइक अदर ट्राइब्स एंड वहां से गाय को लेके आते थे द प्राइम सोर्स ऑफ इनकम सो ऑप्शन विल बी बी ओनली आदिपुराण रिटन बाय जस्ट से आदि पुराण इज रिटन बाय जिनसेना इज अ वर्क ऑन द इफ यू टॉक अबाउट स्टोरीज ऑफ वेरियस जेइन सेन्स अगर हम बात करें जो आदि पुराण है इट टॉक्स अबाउट जेन्स जैनिज्म के बारे में बात करता है और उनके जो गुरु वगैरह हैं उनके बारे में बात करता है सो दैट्स द ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन आदि पुराण इज कम्पोज बाय जैन जीन सिन्हा ठीक है जी दिगंबर मॉन्ग थे संस्कृत में पोएम्स वगैरह लिखी है इन्होंने फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ uh, के बारे में अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन ये कंपोज की गई थी कब नाइनटीन सेंचुरी में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट राजर द चेयरमैनशिप ऑफ महाकश्यप इमीजिएटली आफ्टर दी कब बुद्धि बुद्ध के निर्वाह अटेन करने के बाद दिस काउंसिल वॉज हेल्ड सो दट्स वाई कहीं ना कहीं इस कौंसिल को बुलाने का मेन पर्पज क्या था प्योरिटी मेंटेन करने की टीचिंग जो बुद्धिस्ट की बुद्धिज्म में जो टीचिंग थी बुद्धा की उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए प्योरस्ट फॉर्म में दिस दिस बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड सो यस अगर हम बात करें तो ए वॉज द करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट विध रिस्पेक्ट टू जैनिज्म लॉर्ड महावीरा लेट द फाउंडेशन ऑफ जेनिज इन नॉर्दर्न इंडिया नॉट लॉर्ड महावीरा अगर हम बात करें तो ऋषभ वल्लभ वॉज द फर्स्ट पर्सन इट बिलीव्ड इन द्यूरी ऑफ साइकिल ऑफ कर्मा ये इट बिलीव इन द्यूरी ऑप्शन विल बी बी ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन करेक्ट बिकॉज महावीरा ने इस uh, Jainism की foundation नहीं रखी है उनसे पहले भी कई uh, तिथांकर रहे हैं, विच आर सेंट अगर हम बात करें तो गेसू दाराज सेंट बिकॉज ऑफ होम आपके डेकन में ये uh, आपको देखने को चिस्ती ऑर्डर देखने को मिलता है सो ऑप्शन विल बी बी ओनली टर्म मंगल काव्या मीन्स अब अगर हम बात करें मंगल मंगल मीन्स समथिंग ऑस्पिशियस मतलब कुछ अच्छा ठीक है जी काव्या मीन्स पोयम सो ऑप्शन विल बी सी ऑस्पिशियस पोयम डीलिंग विद लोकल डाइटीज दैट इज द करेक्ट ऑप्शन मंगल काव्य मंगल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू शुभ कार्य एंड काव्य मीन्स पोयम सो आंसर ओनली गोन बी अप्शन

अगर हम बात करें लाइक प्योर वॉटर ऑफर्ड बाय मास्टर टू द पीपल दैट इज नोन एज पाहौल सॉरी इफ आई हेव प्रोनाउंस इट रॉन्ग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट संकारा डिनाउंसड हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट साइटिंग डेम एज गोइंग अगेंस्ट रैशनैलिटी एंड शंकार शंकर डिनाउंस हिंदुज रिवाइवलिस्ट मूवमेंट citing them as going against rationality and modernity. Ramanuja advocated uh, prabhati marg or path of self-surrender to God for salvation. If we talk about Ramanuja, uh, the statement about Ramanuja was true and if we talk about the first statement, Sankar, Sankar started Hindu revivalist movement. ठीक है जी न्यू ऑरियंटेशन टू हिंदू ठीक है जी इन्होंने ही चार धाम की आपकी establishment की थी सो so ये खुद रिवाइवलिस्ट थे वॉज नॉट अगेंस्ट लाइक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट हुट ऑफम इन असम इफ वी टॉक अबाउट इट वॉज शंकरा देवा

so yes both the statements are true so let's move to the next question early buddhist and jainist texts mention certain states that were very large and known as mahajanapadas consider the following statement about them sanghas were the smaller mahajanapadas were forbidden to control land sources in smaller mahajanapadas sangha, uh, sanghas power was shared by number of men. so second statement is true and first is incorrect if we talk about मोस्ट ऑफ द महाजनपद रूल्ड है जी, सेम वर रूल्ड बाय पर अगर हम बात करें मेनी पर्सन रूलिंग द स्टेट नॉट जस्ट दैट्स ई अगर हम बात करें वर कलेक्टिवली रूल्ड और उन्हें क्या कहते थे हम राजाज कहते थे सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन करेक्ट द फॉलोइंग description of which of the सतवाना rulers? He claimed himself as एका ब्राह्मण, ठीक है जी। अगर वे टॉक अबाउट एका ब्राह्मण, he was गौतमी पुत्र सत्कर्णी, he claimed to have, in short that there was no intermarriage among us member of four varnas. He entered into marriage alliance with king of rudraman. अगर हम बात करें ये तीनों statement, it they talk about गौतमी पुत्र सत्कर्णी, ठीक है जी।

Aurangabad was built in 1610 by Malik Ambar of this dynasty, and it was renamed Aurangabad by Mughal Emperor Aurangzeb when he made it his capital. So, neither the statement is correct. If we talk about Aurangzeb, who lived in Aurangabad until the, his death, tortured and killed Chhatrapati Shambhaji, son of Maratha warrior king Chhatrapati Shivaji, followed the historic incident. दिस देर इज लॉन्ग स्टैंड डिमांड ऑफ रीनेमिंग इट सो दंगाबाद को नाम बदलने के लिए अभी बहुत सारी मतलब वो चल रही है पटिशंस वगैरह सो दैट्स वाई अगर हम बात करें औरंगाबाद इज अ वेल नोन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो यहां पर आपको अजंता केव्स मिलती हैं ठीक है जी और यहाँ पर आपको अलोरा केव्स वगैरह भी मिलती हैं अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर एरिया मतलब टॉपिक की तो यहां पर इसको रीनेम करने की बात हो रही है अभी नॉट एट दैट टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू भावेश्वर ही इज अ फाउंडर ऑफ इट्स अ लाइक सेम क्वेश्चन रिपीटेड ट्वाइस सो वी विल स्किप दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मौलवी अहमद उल्ला शाह Ahmadullah Shah is also known as our Lighthouse of rebellion during the first war of independence against the British in 1857. He turned Masjid Sarai in Faisabad Chalk area into a headquarter and held meeting against freedom fighters, a meeting with freedom fighters, yes, both the statements is true and most of the question, this question is mostly related with your uh, modern history. So, it is not part of your like AMC. So, that is why I am skipping this. Consider the following statement mentioned about Islamic history. Jimiz, follower of Islam, Caliphate Empire established by a follower of Islam, Hijra, protected subjects under Muslim rule. If we talk about this, caliphate is true, but if we talk about further, sixth in 622 ad prophet muhammad migrated from medina which was the starting point of muslim calendar and muslim era called hijra so Hijra is not pro, uh, protected subject under muslim rule it is the uh, era it is the era of muslim calendar okay. the following uh, followers of muslim uh, of muhammad set up a empire called caliphate

And Abdul, Abdul Riza al Din, Francis Benair France Francisco from France. If we talk about Ibn Battuta, he was from Uzbekistan. Marco Polo was from Italy. Ibn Battuta was from Morocco. And if we talk about uh, Abdul Razak, he was from uh, Samarkand. Uh, Samarkand Barbosa was from Portugal, Francisco from France, Jean Baptiste from France. So, if we talk about this particular question, this statement is true and Ibn Batuta's statement is true. So, 2 and 4 will be the correct option. Make it 2 and 4. So, this option was particularly incorrect about this test series. Consider the following statement regarding. He was the first to introduce Navroj in Sultanate court. He started branding of horse, he implemented the policy of direct revenue collection from peasants. If we talk about he started branding of horses and also direct revenue collecting and all, but Navroj is a Persian festival, not Introduced by this, it was introduced by Balban. It was not by Laudin Khilji, it was by Balban, which uh, mass the following department created by Tughlaq dynasty. If we talk about Department of Slave, Diwani Mandagan, Department of Charity, Diwani Kharat, Department of Pension, Darul Safa. वी टॉक अबाउट दिस स्लेव के लिए दीवाने बंदगान वॉज जी, चैरिटी के लिए दीवानी खैरात वॉज देर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वॉज नोन दीवान इन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वॉज नोन एज दिवानी इस्तिका एंड चैरिटेबल हॉस्पिटल वर नोन एज दराउल सफा ठीक है जी which of the following country uh, countries wrote sorry it was not acha which of the following courtiers wrote aynai akbari it was abu Fazl. so you should read about him consider the following statement regarding mansabdari system introduced by akbar rank were divided into zat and sawar in which Zaat means pers uh, personal and it is fixed. the person status of, uh, personal status of a person, the lowest rank were was 100. the highest rank was 5000 for nobles. mansab rank was heredity. if we talk about this, this particular question, so we have to find the correct statement. so let's see this thing. akbar introduced mansab dari system in his administration under which he ranked he assigned the rank of Mansab, the lowest was 10 and highest was 5000, so second statement was incorrect. Prince of royal blood received even higher ranks, he divided ranks into two parts, one is zat and that is Sawar and that is true about this and Mansab ranks were not heredity, it was on the caliber because various Rajput were given the rank, so it was not heredity consider the following pairs regarding classification of land during the mughals. palja land, which is annually cultivated for each crop, is succession and is never allowed to lie fallow. if we talk about this, this is true. charchar land, uncultivated for five years or more. Pro, uh, poroti land, left out of cultivation for a time,

And if we talk about Banjar land, it is for five or more years. Consider the following statement regarding Islo Islamic, uh, uh, Indo-Islamic architecture: Decorative technique used mosaic design, petrdua and arabicus, Yes, that is true. The minar is mix of polygons and circular shape which is largely built of red and buff sandstone so both the statements are true so hence option will be c option which of the following ruler was founder of vijayanagar empire if we talk about this the Krishnadev uh, rai Dev rai was the founder okay uh, like harihara and bukka was the founder of your uh, vijayanagara empire not uh, like aapka Krishnadev. by the year 1526 bahami kingdom uh, had disintegrated into five independent sultanates which of the following Sultanates were successors of bahami kingdom if we talk about if we talk about this hosla was not there rest Everyone was part of your Bahami kingdom. So, let us move further. Consider the following statement Nirmal fort is also called uh, Shamgar Fort. Udasi Mukt is Nirmal town, was built and around 1822 in Deccan by Diwan Chandulal. उदासी व मिशनरी ट्रेवल बाय गुरु गोविंद सिंह जी इट वाज़ गुरु नानक देव जी की ट्रेवल्स को कहते हैं एंड इट इज द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू निर्मल फोर्ट आपके कहीं ना कहीं शामघर फोर्ट भी बोलते हैं इसे ठीक है जी इट वाज़ बिल्ड बाय दीवान चंदूलाल एंड उदासी जो है आपके गुरु नानक देव जी की मूवमेंट है आ, धर्म के फैलावे के लिए इन दल द फोर डायरेक्शन ठीक है जी चार मेजर उदासी मूवमेंट थी Consider the following statement about Bibi Ka Makbara. It is also known as Taj of Deccan, yes it is. It is considered to be a symbol of Aurangzeb's conjugal, uh, conjugal fidelity, no it is not. It is Aurangzeb's construction, so that is untrue. And if we talk about it is built in the memory of Deliras Banu Begum, yes it is true. So Taj, it is known as Taj of Deccan, that is true. It, is, it was built by orang and it is related to the memory of banu begum. consider the following statement about Brideshwara temple. it is located on the bank of godavari river. it is part of world heritage site. it is also known as great living chola temple. yes, it is known as great living chola temple, theek hai ji. and talk about iski. just a second the first statement is incorrect and the second statement is correct that it is a part of unesco world heritage site let's see about this because it was in current affair Thekeji? so if we talk about brishwot temple it is known. A, uh, it is also called Rajeshwaram temple Thekeji? it was built by रजेंद्र चोला वन इट वॉज बिल्ड बाई रजेंद्र चोला वन ठीक है यहाँ पर लाइक uh, like कुंभ की होती है ठीक है जी अभी तक बारह साल में इसे एक बार ही करते हैं और अभी तक ऐसी uh, जो सेमनी हुई है अब एक और सेरेमनी करने की बात हो रही है यहां पे ठीक है जी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हम्पी इट वॉज अ पार्ट ऑफ मॉरिन एम्पायर यस इट वॉज इट इज लोकेटेड अराउंड तुंगभद्रा रिवर यस विठल टेम्पल इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विजयनगर टेम्पल आर्किटेक्चर यस ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट सो हेंस आंसर विल बी डी ऑप्शन हम्पी वॉज इन न्यूज सो प्लीज काइंडली एक बार इसे देख लेना आराम से बिकॉज एस ने अभी कर्नाटक गवर्नमेंट की डिमोलिश करने के एक रेस्टोरेंट की जो बात थी उसे लाइक फोकस like, किया है सो दैट्स वाई कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बिकॉज ऑफ देट आपकी देखो अपना देश एंड सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग की वजह से हम्पी वॉज इन न्यूज सो so इसके बारे में एक बार डिटेल में आप प्लीज देख लेना Consider the following statement about Konark temple. The Sun temple originally constructed at the mouth of river Chandrabhaga. Okay, yes, it is true. It was built during Ganga density. Yes, it is true. It is a classic example of Kalinga architecture. Yes, it is true. Recently, Ministry of New and Renewable Energy has taken up complete solarization of Konark temple. Yes, all the statements are true, and because of this recent initiative,

राइट लेग ऑफ नितेशा आइकन यस इट इज सो अगर हम बात करें ये बेसिकली अगर हम स्मगलिंग uh, हुई थी इसकी कहां पर यूके में एंड रिसेंटली ये आपके आर्कोलॉजिकल सर्वे को वापिस दी है तो इट इज लाइक स्टोन की बनी हुई है मार्बल की नहीं टेम्पल इट रिप्रेजेंट कलिंग आर्किटेक्चर इट वाज बिल्ट इन ड्यूल स्टाइल दैट हैज़ टू कंपोनेंट नेमली विमान एंड जगमोहना अगर हम बात करें करेक्ट की तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट नॉट द सेकंड वन ठीक है जी यहाँ पर ड्यूल नहीं मिलता सिंग ड्यूल सिस्टम जो है यहाँ पर यहाँ पर फोर कॉम्प्लेक्स है वन इज़ विमान ठीक है जी अदर इज जगमोहन ठीक है जी द नेक्स्ट वन इज नता मंदिरा एंड भोग मंडपा दिस फोर थिंग्स वर देर ठीक है जी नॉट टू थिंग्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गावी जस्ट अ गावी गंधेश्वरम टेम्पल इफ यू टॉक अबाउट दिस It was built by, it was built by Krishandev Rai one in 16th century. It is unique celestial orientation, rock cut architecture, yes second statement is true. The architecture of temple is inspired by Vijayanagar uh, style. Let us see, if we talk about this, second and third statement are true, Thikaji, cloud play a spoiled sport while citizens celebrating Sakranti by blocking the sun rays. डायरेक्टली पड़ती है इसकी पोजीशन इस हिसाब से रखी गई है कि यहाँ पर सन डायरेक्टली आपके मंदिर के लाइक आता है बेंगलुरु में है कर्नाटका में ठीक है जी तो इसके बारे में यू हैव टू नो दैट आर्टिटेक्चर अगर हम इसके बारे में बात करें तो सिलेस्टल ऑरियंटेशन क्या है लाइक आपके लाइक सूरज वगैरा प्लांट्स वगैरह इनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया It is a Vijayanagara style, ठीक है जी। और यहाँ पर मकर संक्रांति के टाइम पे ray of sunlight will fall on shivling। clear है जी? Like I told you, ग्रह ग्रह में यहाँ पर क्या पहुँचती है आपकी? Sunrays पहुँचती है। Consider the following statement about Madhubani painting, ठीक है जी। It is originated in Mithila region of Bihar, yes. traditionally priest of village.

यहां पर आपके लाइक पैटर्न वगैरह डिजाइन करते हैं मधुबनी पेंटिंग में मिथिला रीजन की ही है प्रिस्ट ड्रॉ नहीं करता वोमेंस वगैरह स्पेशल ओकेजन वगैरह पे ड्रॉ करते हैं सो दैट इज ऑल अबाउट योर मधुबनी पेंटिंग स्टेटमेंट अबाउट वर्ली पेंटिंग दे वर फॉक पेंटिंग ऑफ मध्य प्रदेश ओके वुमेन आर मेनली एंगेज इन क्रिएशन ऑफ दिस पेंटिंग मिक्सचर ऑफ राइस पेस्ट गम

8 which is life size picture of wild pig was found in अभी-अभी रिसेंटली इंडोनेशिया में मिली है ठीक है जी और इसके बारे में यू कैन रीड अबाउट दिस इन करंट अफेयर आल्सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट धोकरा मेटल आर्ट मेटल आर्ट सॉरी इट इज फॉर्म ऑफ एंशिएंट बेल मेटल क्राफ्ट इन तेलंगाना यस इट इज ट्रू इट इज कास्टेड यूजिंग लॉस्ट वेक्स टेक्निक्रांटेड जी आई टैग रिसेंटली यस तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन स्टेटमेंट अबाउट धनु यात्रा इन ट्वेंटी ट्वेंटी इट हैजिन अकॉर्डेड नेट इज बेस्ड ऑन मेथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ यस इट इज एन ओपन थेउट दिस

एंड बाय आर डी बेनर्जी इन एटीन सेवनटी सेवन नो डैट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ठीक है जी अभी अगर हम बात करें रिसेंटली उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट का नाम रखा गया है ठीक है जी खुशीनगर एयरपोर्ट सो दैट्स वाई दिस एरिया वॉज इन न्यूज एंड रिलेटेड क्वेश्चन वॉज देयर इट वॉज कनिंगम एलेक्जेंडर कनिंगम हु दिस साइट इन एटीन सेवनटी सेवन फॉलोइंग एशियंट प्लेस इज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म लुम्बनी कपिलउट दिस ऑल द्लेकड बुद्धिस्ट ऑरियंटेशन लुमिनी बर्थ प्लेस था बोध गया जहां पर एनलाइटमेंट मिली सारनाथ जहां पर फर्स्ट लेक्चर दिया था कपिल वस्तु जहां पर बुद्धा बचपन में रहते थे कुशामबी बुद्धिज्म जहाँ पर बहुत सारे बुद्धा ने अपने लेक्चर्स वगैरह दिए हैं शिक्षा वगैरह दी है सन किशा जहाँ पर बिलीव टू मतलब अपनी मदर को यहाँ पर उन्होंने लाइक टीचिंग वगैरह दी थी सर्वस्ती जहाँ पर डिवाइन अपनी पावर वगैरह को दिखाया था कि उन्होंने बुद्धा ने अपने वेरियस रूप दिखाए थे बुद्धा ने सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट मौसम इट एम टू अंडरस्टैंड हाउ द नॉलेज एंड मेन्यशन ऑफ मानसून विन हैज शेप्ड इंट्रेक्शन अक्रॉस द इंडियन ओशन एंड लेड टू द स्प्रेड ऑफ शेयर्ड नॉलेज सिस्टम ट्रेडिशन टेक्नोलॉजी एंड आइडिया अलॉन्ग मरीटाइम रूट येस इट इज ट्रू इट इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नो इट इज नॉट लाइक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं है इसमें प्रोजेक्ट मौसम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है और इसे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट ठीक है जी नॉट आईएमडी आपके इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसे नहीं कर रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन टर्निटी ऑफ नाटक म्यूजिक त्यागराज अन्ना मया समय शास्त्री इफ वी टॉक अबाउट दिस फर्स्ट एंड थ्री इज ट्रू ठीक है जी इट वॉज त्यागराज मुथु स्वामी एंड श्याम शास्त्री द थ्री पर्सन रिलेटेड टू दिस कर्नाटक म्यूजिक से इन्हीं को तीनों को हम जोड़ते हैं इंडिया हिंदुस्तानी म्यूजिक डेवलप प्राइमरली इन द नॉर्द इंडिया म्यूजिक रिटेन द फेयर ऑफ उट ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू सो ऑप्शन आइडेंटिफाई विच ऑफ दिन लैंग्वेज आर बींग क्रिटिकली इनजर्ड इफ यू टॉक अबाउट दिस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टॉक्स अबाउट कौन सी लैंग्वेज इन डेंजर है तो सोमपेन एंड मेरा टोडा These three languages are endangered, so option will be one, two, and three. C option. Which of the following statement regarding Mughal architecture is correct? Chandrabhaga system in Mughal architecture was first introduced by Babur. Okay, yes, it is true. Central towering dome became one of the most important aspect of Mughal architecture. Yes, it is true. Mayu Tom was built in tradition known as Hastvi Hista. Yes, all the statements are true. So, option will be D option. So, this was it about this test. We will discuss geography test, test number 4 on Thursday. So, let us meet on next Thursday. And thank you very much for viewing this session. Thank you, thank you very much.